गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को मैं रेबेका राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। जी बिल्कुल, आगे राइजिंग पाकिस्तान की टीम आपके दिन को बहुत खुशगवार बनाने के लिए, और हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए सेगमेंट्स में कुछ ऐसा लाया जाए जिसमें हर एज ग्रुप के लोग जो है वो अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए उस सेगमेंट को एंजॉय करें, चाहे वो बच्चों का सेगमेंट हो, चाहे हम बात करें बड़ों के सेगमेंट की, चाहे हम एक्सपर्ट सेगमेंट की बात करें। आई थिंक राइजिंग पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, जो मुझे लगता है और जो फीडबैक हमें आप लोग की तरफ से आता है, वो यही है कि हर एज ग्रुप को राइजिंग पाकिस्तान की टीम कैसे जो है वो देख रही होते हैं कि अच्छा इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये वाली चीज है, और जो यंगस्टर्स हैं उनकी ये जो डिमांड है कि अच्छा इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, तो उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाता है। जिस तरह का आज हम बात करें तौसीक, तो अनाया जो है आज मूड को बड़ा जबरदस्त करने वाली है किड सेगमेंट में। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है पता नहीं ब्रेकफास्ट करके आते हैं या नहीं, लेकिन मैं आज आपको ब्रेकफास्ट करवाऊंगी, लेकिन बड़ा अलग ब्रेकफास्ट है। इसमें दो चीजें हैं, एक है क्रीम और एक है फ्रूट्स। इसमें से एक चीज की मुझे इजाजत है अपने ट्रेनर की तरफ से, और एक चीज की इजाजत नहीं है, क्रीम की बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन सिप सिप बताना नहीं है किसी ने, ठीक है। अनाया आज मुझे चीटिंग करवाने वाली है फ्रूट चाट विद क्रीम, व्हिप्ड क्रीम के साथ फ्रूट चाट बनाने का तरीका लाइव ऑन एयर आपको सिखाएंगी अनाया, और मैं भी सीखूंगा। वैसे सिंगो का काम सिर्फ उसकी तारीफें करूंगा ताकि वो खुश हो जाए, थोड़ी वो खुश हो और मुझे खाने के लिए दे और मैं उसको एंजॉय करूं। तो ये है अनाया का सेगमेंट, हम सब तैयार हैं उसके लिए। इसके अलावा आपकी मुलाकात हम करवाएंगे शहजाद ज़िया साहब से, और आज कुछ ऐसे मौजू पे बात होने वाली है जो कि पाकिस्तान के बहुत से फैमिलीज बहुत से घरों का मसला है, और वो ये कि हम बच्चा जो ही जवान होता है हम कहते हैं एनू मुल्क तुम बाहर किधर भेज दियो, मामे अल्ताफ को चला जावे, ओ पेरिस गए सन इन्ने साल पहले, वे खुद तीन कोठियां बना ली यानी मीरपुर या जेलम या गुजरात या लाहौर। ऐसे में उन बच्चों को हम लेफ्ट राइट सेंटर, हमें नहीं मालूम होता, हम अपने जेवर भी बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, जमा पूंजी जिंदगी की बेचते हैं, या तो वो कोई पैसे लेके खा जाता है, या बच्चा आपका इलीगली बाहर जाता है और वहां से डिपोर्ट होता है, जेल हो जाती है। बहुत से बच्चे तो अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। आज हम इस अहम इशू के ऊपर राइजिंग पाकिस्तान में बात करना चाहेंगे, और आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को, इवन लड़कियां भी वोकेशनल यानी हुनर हासिल करके लीगली मुल्क से बाहर कैसे जा सकते हैं, इसके क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, खासतौर पे यूरोप के अंदर। अगर आप स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच कोई जबान भी सीख लें और कोई हुनर हासिल कर लें, तो ये सब कुछ लीगल तरीके से हो सकता है। आपको जेवर बेच के आपको पैसे लुटाने या बच्चे की जान जोखों में डालने, मुश्किल में डालने, खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अहम मौजू है जिसपे शहजाद ज़िया होंगे हमारे साथ, और इस मौजू पे हम बात करेंगे। इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान बिल्कुल इसी के साथ आज हमारी दूसरी मेहमान होंगी अंदलीप, और वो बहुत अच्छा गाती हैं। उनसे आज मेरा एक सवाल ये होगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि शायद सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोगों को लगता है कि रातों रात आप स्टार बन सकते हैं, चाहे कोई एक्टिंग का क्लिप हो या कोई आप अच्छा गा रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वो भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं या बाकायदा तौर पर उस्ताद से सीख कर वो इस फील्ड में यानी म्यूज़िक की तरफ उनका रुझान जो है वो बढ़ा? क्या स्कूल कॉलेज में भी गाया करती थी, या मेरी तरह जब यूनिवर्सिटी में आई तो सोचा कि गा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं गा सकती, वो बहुत अच्छा गाती हैं। सो उनसे कुछ गाने सुने जाएंगे, कुछ उनसे बातें की जाएंगी। इसी के साथ साथ तौसीक अमारा रूही आएंगी, और अमारा जो है वो आज बात करने जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो जिस तरह हम आपके पैगाम भी सोशल मीडिया पर शामिल करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर जो है वो बुलिंग का सामना रहता है। साइबर बुलिंग क्या है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है? बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि साइबर बुलिंग का सामना तो लोगों को होता है, लेकिन वो इस बारे में जानते नहीं हैं किस तरह से आपकी चीज़ों का लीक आउट हो जाना, या आपके नाम से कोई और आपका उस तरह का एक फेसबुक अकाउंट जो है अगर चला रहा है, तो किस तरह से उन चीज़ों को आप रोकेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात करना। और जो अमारा रूही हैं वो आएंगी और आपके बहुत से सवालों के जवाब भी देंगी। अगर आप इस हवाले से, साइबर बुलिंग के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, यकीनन आपने नोट डाउन किया होगा, अगर नहीं किया उसको नोट डाउन करें और हमसे इजहार करें कि जनाब आपको कौन सी जो साइबर बुलिंग है उसका सामना रहा। और इसी के साथ मिस तौसीक मैं आपसे भी, लेकिन ऑफ कोर्स उसी सेगमेंट में मैं जरूर जानना चाहूंगी कि कभी सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी कोई बात, कोई ऐसी चीज आपको पता चली और आपने कहा तौसीक ये बहुत गुस्सा हो जाता है ना सोशल मीडिया पर, ऐसी चीज हो जाती है तो
ये है सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में। और इसके अलावा कुछ आपके सोशल मीडिया पे हमें भेजी गई तस्वीर, पेंटिंग्स, मैसेजेस, वो भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। और इसी के साथ एक और चीज भी है, एक और चीज है जनाब, शॉर्ट फिल्म सिंध के हुनरमंद के नाम से आज आपको दिखाई जाएगी और आप उसको देखेंगे। जब हम बात करते हैं किसी कल्चर की या किसी प्रोविंस की, उस प्रोविंस में कौन सा कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा रिच है, उस पर बात की जाएगी। तो सिंध के हुनरमंद आज आप देखेंगे शॉर्ट फिल्म में, क्योंकि आपको पता है ये सिलसिला मंडे एंड थर्सडे आपके लिए शॉर्ट फिल्म का शुरू हो चुका है, जिसको आप हर मंडे एंड थर्सडे इंजॉय करते हैं। सो जनाब, ये है राइजिंग पाकिस्तान की टीम के लिए, आपके हमारे पास है आपके लिए। अब आप बताएंगे कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, और होता है ये होता है लाइव में, ये खूबसूरती है जी। अभी हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अनाया होंगी, फ्रूट्स होंगे, क्रीम होगी, तौसीक होंगे और कुछ खाने पीने का सिलसिला होगा। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जिस दिन मुझे टीम में एक शाम पहले बताती नहीं जी कल अनाया आ रही है, तो मैं फौरन आगे से पूछता हूँ कुछ खाने को ला रही है। तो जवाब आता है जी जी ला रही है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अनाया। वालेकुम अस्सलाम। इतनी आप अच्छी लग रही है, ये जो आपने बालों में एक जो पर्पल कलर करवाया है ये तो मुझे बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है, ये कैसे आइडिया आया आपको पर्पल कलर? मैंने आपसे इंस्पिरेशन लेके अपने बाल पर्पल और पिंक कर लिए। ओ माय गॉड, बच्चों पे तौसीक अंकल के ख्यालात और आइडियाज के इतने इन्फ्लुएंस होते हैं, मुझे नहीं पता था। बट यू आर लुकिंग ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। असल बात होती है अनाया कैरी करने की, है ना, आप जैसे सुपरस्टार्स जो हैं वो कैरी बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस पर्पल को, आई मस्ट से दैट। यस, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोगों ने एक दूसरे की बहुत तारीफें कर ली, अब जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो चाह रहे हैं भाई काम की बात पे आओ, तारीफें नहीं करो ज्यादा एक दूसरे की। बताओ आज क्या सिखाने लगी हो? आज मैं बनाऊंगी क्रीमी फ्रूट चाट। क्रीमी फ्रूट चाट, ओ यम यमी। अच्छा जी, बहुत आसान सी रेसिपी है, लाइक मुझे पसंद है, बाकी सारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये हेल्दी पे हेल्दी आप लंच में भी दे सकते हैं, कोई लाइक कोई आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं। मैं आप दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बताएं जी कैसे बनाते हैं। मेरे पास है ये अनार, अनार है जी, कीवी, कीवी है जी, एंड ऑल्सो ग्रेप्स, ग्रेप्स हैं जी, यानी के अंगूर। यस, मेरे पास एप्पल्स है। ये आप सोचेंगे एप्पल्स अभी तक ब्लैक क्यों नहीं हुए, इनके अंदर बहुत आयरन होता है तो, लेकिन ये ब्लैक हो जाते हैं अगर काटें तो, फौरन ब्लैक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन मैंने एक टिप, मैं जरूर बताऊं कि मैंने इनमें लेमन डाल दिया था उसके बाद। अच्छा, सेब को काट के उसके ऊपर लेमन छिड़क दें तो फिर वो काला नहीं होता? जी, जबरदस्त टिप दी आपने, तभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल व्हाइट व्हाइट है। अच्छा जी, उसके अलावा केले हैं, ये बनानास, बनानास, अमरूद, अमरूद, हनी, हनी, क्रीम एंड एप्रिकॉट्स, एप्रिकॉट्स, नीचे एप्रिकॉट्स हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी खुबानी, ठीक है जी, खुश खुबानी भी। आपके सीजन में जो भी फ्रूट अवेलेबल है, जैसे हमारे सीजन में मैं अभी सारे विंटर के लाई हूँ, विंटर भी बहुत मजे का मौसम होता है, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है उस मौसम में, जैसे मैंगो, आप वो भी यूज कर सकते हैं। यकीनन यकीनन, जब मैंगो का सीजन आएगा हम मैंगो यूज कर सकते हैं, उसमें बड़ा मजे का लगता है, बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं शुरू करती हूँ, मैं बॉर्डर में जाऊंगी। अच्छा जी, ठीक है जी, पहले मैं रेड रेड पोर करूंगी, रेड कलर, यानी कि अनार, अनार। अच्छा, ये आपने ना काट के और छोटे छोटे पीसेस में काट के उनको रख लिया इन फ्रूट्स को, और उसके बाद आपने अनार डाला, उसके बाद, उसके बाद अब मैं डालूंगी ग्रेप्स, ठीक, क्योंकि वो थोड़े से ऑरेंज है, ठीक है, थोड़े थोड़े से ऑरेंज है। मैंने अब जब ग्रेप्स डाल लिए, आई विल ऐड माय बनानास। ये ग्रेप्स जो है ये भी थोड़े ब्लैक हो गए, मुझे लगता है इनमें भी लेमन डालना चाहिए था हमें, नहीं कुछ और ही ना बन जाता maybe। अच्छा जी, अब आ गया बनानास, डल गए जी बनाना, डल गए डल गए डल गए डल गए डल गए डल गए, वेरी गुड। अब मैं डालूंगी एप्पल, अब आ गया सेब, ओ यम्मी, ओ यम यम्मी यम यम्मी, ये रहे ना, निकला ही नहीं, कोई बात नहीं, चमचे से निकाल लो, स्पून टू टेक इट आउट। ये तो काफी सारी बन गई है चाट। अब मैं यूज करूंगी अमरूद, अब मैं अमरूद डालूंगी, अब मैं अमरूद डालने लगी हूँ जी, ये देख लें जी,
ये जी अमरूद डल गया। ताजी आपको कौन सी फ्रूट चाट पसंद है, क्रीमी फ्रूट चाट या नॉर्मल फ्रूट चाट? एक फ्रूट चाट वो भी होती है जिस पे आप लाइक सॉल्ट वगैरह डाल सकते हैं। मुझे तो वही वाली पसंद है, उसमें जरा थोड़ा सा मसाला भी डाला हुआ हो, नमक भी हो, तो जरा थोड़ा सा मिर्चीली फ्रूट चाट पसंद है। लेकिन वो वाली भी होती है जिसमें मिर्चें भी होती हैं और थोड़ी सी चीनी भी डलती है और चाट भी होती है एक फ्रूट चाट में बहुत। एग्जैक्टली, चाट मसाला डल जाए अगर, और साथ ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आगे चलो। अच्छा ओके, अब मैं अब कीवी कब डालना है? ओ कीवी तो भूल गई, कीवी भूल गई अनाया। देखो ये टॉप पे डाल देते हैं, ये टॉप पे डालते हैं, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं अब इसको मिक्स करेंगे, क्या करेंगे? पहले एक और चीज है, मैं इसको ये यहाँ आप क्या चाह रही है मुझे बताइए। मैं यहाँ इसको यहाँ कर देती हूँ थोड़ा सा। ये ले जनाब, आपके लिए हमने जगह बना दी। यस, अब मैं लूंगी ये जो मैंने क्रीम लाई हुई अपनी। ठीक है, मैं क्रीम को यहाँ रखूंगी। ठीक है। अच्छा असल में ना वो तुम्हारी मामा ने पूरा डाइनिंग टेबल सेट कर दिया है, मतलब है ना। अब आपको एक एक चमचा चाहिए और एक बोल चाहिए। मैं ये यूज करूंगी। ठीक है, ये बॉल आप यहाँ रख सकते। अच्छा मैं यहाँ रख देता हूँ, ये नहीं। मैंने कहा शायद आपको चाहिए होगा, तो आपका असिस्टेंट हर वक्त तैयार रहे। आई एम अ गुड किचन असिस्टेंट। अब मैं इसके अंदर हनी डालूंगी। वो देखें जी, कैमरा दिखाए, हनी डल रहा है। ये देखो जी, हनी डल गया क्रीम के अंदर। मेरा तो दिल कर रहा है क्रीम और हनी खा जाऊं मैं अनाया, फ्रूट की बारी तो आएगी नहीं है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइए ये मुझे पकड़ा दीजिए, थैंक यू। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, पहले इसको मिक्स करें, इन दोनों को मिक्स करूंगी। ओए होए होए, ये तो मेरा बहुत मजे का आज ब्रेकफास्ट होने वाला है। मैं रिबेका आंटी को कुछ भी नहीं खाने दूंगा, वो उधर बस सारा मैं खुद खा जाऊंगा। अब ये मिक्स कर, ये मिक्स हो गया जी। अब आपने क्रीम में, जरा इधर मुझे दिखाओ, मैं तो कैमरे में दिखा दूं कि ये देखें जी, जरा रेसिपी साथ साथ ऑथेंटिक रेसिपी भी पता लगती रहे कि क्रीम के अंदर आपने हनी को मिक्स किया, तो अब ये देखें ऐसे मजे की वो पेस्ट सी बन गई है, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल वो शामिल हो गया। अच्छा जी, अब मैं करूंगी, अब मैंने जो फ्रूट चाट बनाई थी मैं उसमें ये क्रीम डालूंगी। ओके, फ्रूट चाट के अंदर क्रीम डल गई, वेरी गुड। वेरी गुड, वही बड़ा ऑथेंटिक हाथ है अनाया का कि कुछ भी इधर उधर नहीं गिरा और सब कुछ खैर खैरियत से अंजाम पजीर हो गया। अब मैं क्या करूँगी जी? अब मैं, अब आपको चम्मच चाहिए जी? दो दो चम्मच चाहिए, ये लें जी। एक वही वाला यूज करो ना, इसी से जिससे आपने डाला। अब मैं इसको टॉस्ट करूंगी, मतलब कि जैसे मिक्स होता है तो मैं जैसे मिक्स करना होता है यूं लाइक दिस। यम यमी। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो यमी वाली बना रही हूं ना, क्रीमी वाली। क्रीमी वाली लाइक जो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, मैं वो बना रही हूँ, तो इसमें मैंने इसलिए चाट मसाला वगैरह, चाट मसाला वगैरह नहीं डाला। हाँ वैसे वो तो मैंने अपनी आपको चॉइस बताई थी ना, लेकिन वैसे यू आर राइट, जो क्रीम वाली होती है ना उसमें चाट मसाला अच्छा भी नहीं लगेगा। आप लोगों का क्या ख्याल है ना? और आप भी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपनी फ्रूट चाट की रेसिपी भी बना के भेज सकते हैं। आज आप अगर फ्रूट चाट बनाने का इरादा रखते हैं तो उसकी तस्वीर खींच के या उसकी छोटी सी वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। 03088936949 हमारा टेलीफोन नंबर है। अनाया के मुकाबले में देखें आपकी फ्रूट चाट कैसी है, हर एक अपना अपना स्टाइल होता है। अच्छा जी, तैयार है? रेडी होगी है। आपको इस सर्विंग एप्रिकॉट्स भी तो डालने हैं। ऑफ कोर्स, एप्रिकॉट्स के बगैर कैसे काम होगा? पहले तो सर्विंग बाउल में डालूंगी। अच्छा ठहर जो, ये सर्विंग बाउल के अंदर जो कीवीज हैं इनको ऐसे ही रखना है, ये स्टाइल का हिस्सा है। यस। अच्छा तो ये जरा स्टाइल का हिस्सा है, ये देख लेना जी। ये जो कीवी है ना, कीवी आपको पता है बड़ा इंटरेस्टिंग एक फल होता है। ये देखें, कीवी को इन्होंने अंदर ऐसे चिस्पां फरमाया हुआ है। चिस्पां फरमाया हुआ, ये स्कूल के जमाने की उर्दू याद आ गई मुझे। अच्छा ये देखें, इन्होंने कीवी को ऐसे डेकोरेट किया, अब इसके अंदर फ्रूट चाट डलेगी, है ना जी? ये लें जनाब। अब ये लूंगी, अब मैं फ्रूट चाट डालूंगी इसमें। ओके, लाइक दिस। वेरी गुड। मुझे लग रहा है बाकी के सेगमेंट रिबेका अकेले ही करेगी आज।
मैं तो बैठ के फ्रूट चाट खाऊंगा। ये एक और स्कूप, लास्ट स्कूप। अब मैं थोड़े से एप्रिकॉट्स डालूंगी। यानी ड्राइड एप्रिकॉट्स है जी? ये आप ये कोई एप्रिकॉट्स तो नहीं है, ये मुझे दिखाओ अखरोट लग रहे हैं, है ना? अखरोट है, अखरोट है। मैंने समझा ड्राइड खुबानियां हैं। अखरोट मुझे बड़ा पसंद है। वेरी गुड। मैं नाम ही भूल गई। नाम भूल गई, कोई बात नहीं। अब थोड़े से डाल लेंगी अखरोट। अब मैं इसके ऊपर थोड़े लीव्स डाल लूंगी। ये क्या है? ये मिंट लीव्स है। हाँ जी, पुदीना। अब मैं इसमें ऐसे, ओहो ये तो पूरा फॉरेस्ट बन गया इसके ऊपर। और अब मैं ये ले, आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ये देखें जी, ओहो देखें, डेकोरेट भी किया है, पुदीने के लीव्स भी है इसके ऊपर और अखरोट भी है ऊपर, इसकी गार्निशिंग अखरोट की हुई भी है। और अब इसको खाने का बहुत मजा आएगा। बाकी सेगमेंट खुद ही करो, बोलती जाओ करती जाओ, उसके बाद उधर बैक आंटी के साथ जाके सुबह बैठना है, ठीक है? और आज राइजिंग पाकिस्तान बाकी तुमने करना है नाया, ठीक है? ठीक है, कर लोगी? क्या पता, क्या पता, क्या बातें करनी होती हैं। कंपेयरिंग को मुश्किल काम है, हर कोई कर सकता है, बातें सब करते हैं ना जी। हाँ तो होस्टिंग भी बातें ही होती हैं। आज आप रिबेका आंटी के साथ बैठेंगी और म्यूजिक सेगमेंट भी करेंगी और सोशल मीडिया के सेगमेंट भी करेंगी, कर लेंगी जी। वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, बहुत मजे की। गिरा दिया, ये हो नहीं सकता। तो अंकल कुछ खाएं और गिरे ना, ये पॉसिबल नहीं। शुगर करो कपड़ों पे नहीं गिर गया। आपका खाना कपड़ों पे गिरता है कभी कभी? जी गिरता है। मामा डांटती है कभी कभी? कभी कभी। अच्छा गुड, तो भाई ये था आज का, आज की बच्चों की रेसिपी क्रीमी फ्रूट चाट। लेकिन एक चीज हम आपको बताएं बच्चों, कि जब आप इस फ्रूट चाट को बनाएं तो अम्मी की, खाला की, फुफ्फो की, मामू की, चाचू की, बड़े भैया की, अब्बू की, किसी की सुपरविजन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किचन में घुसे, छुरी उठाई और आप कहें जी अनाया की तरह हम भी फ्रूट काटेंगे। फ्रूट काटना छुरी से होता है और वो किसी बड़े की सुपरविजन के बगैर आप यूज़ नहीं करेंगे। और बड़ों से भी हम ये कहेंगे कि जब भी बच्चों को कोई छुरी वाला काम कहें तो उनको सिखाएं कि छुरी को इस्तेमाल कैसे करते हैं, खुदा न खास्ता कोई चोट ना लग जाए, बच्चा जख्मी ना हो जाए। तो अनाया आपकी हेल्प आज किसने की थी ये फ्रूट चाट, ये सारे फ्रूट काटने में? मेरी मम्मा ने की थी, क्योंकि अगर आप खुद काटेंगे आपका हाथ भी कट सकता है, आपके कट्स लग सकते हैं हाथ पे। Exactly, देखा ये बात मैं कह रहा था, मम्मा ने हेल्प की थी आज। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अनाया, ऑल द बेस्ट। हम बढ़ते हैं कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। क्या है जी आज रिबेका हमारे पास? सोशल मीडिया के मैसेजेस में चंद तस्वीर आपने हमारे साथ शेयर की हैं और हमारी कोशिश होती है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें पिक्चर्स मौसूल हुई हैं उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं सैयद मुबस्सिर अली नकवी की चंद तस्वीर, उन्होंने भेजी हैं दामने को इस्लामाबाद से। आइए आपको वो दिखाते हैं, ये देखें इतना खूबसूरत नज़ारा है। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, लश ग्रीन, क्लाउडी ब्लू, वाइट, अरे खूबसूरत, पहाड़ों से जो क्लाउड्स नजर आ रहे हैं इतने करीब, यानी आप बादलों से ऊपर चले गए। मार्का की पहाड़ियां वाकई बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा जी, मुबस्सिर अली नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच, नाइस पिक्चर्स। इसी के साथ अहमद इकबाल फैसलाबाद से, आपने कुछ स्केचेस बनाए हैं और उनको हमें शेयर किया है, वो कौन से पिक्चर्स है? वो एक ही स्केच है जी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, और बहुत जबरदस्त। एहसन नाम है जी, अहमद इकबाल, अहमद इकबाल, अहमद थैंक यू वेरी मच। आपने देखिए हमें सिर्फ एक स्केच बना के भेजा, और भी हम आपको इनकरेज करेंगे, आपको स्केचिंग का शौक है। असल में उन्होंने एक बना के भेजा, उनका पता नहीं दिखाते भी है कि नहीं, राइजिंग पाकिस्तान वाले हैं ना, चेक कर रहे थे कि हम, शक किया आपने हम पे, हमने बिल्कुल गलत साबित किया आपको। हमने आपको गलत साबित किया, अब आप हमें और स्केचेस भी बना के भेजिए। बिल्कुल बकासुद्दीन, आपने जो है चित्राल से तस्वीर भेजी हैं और चित्राल में जो मौसम की सूरत हाल होती है और जिस तरह से मौसम जो है वो खूबसूरती बिखेरता है अपनी, ये देखिए ब्यूटीफुल। इसमें भी देखें आप, बादल जो है वो पहाड़ों से नीचे आए हुए हैं। आई थिंक डिफरेंट सीजंस जो हैं उन्होंने उनकी पिक्चर्स, एग्जैक्टली वो मुझे कुछ समरी तस्वीर लग रही थी, ये भी कुछ समरी तस्वीर है, और वो बीच में आजकल का मौसम था,
कलर्स चेक करें दरख्तों के, कितने जबरदस्त पक्का बहार वाला है, यूनिक। यस, ये बहार वाला मौसम है। सो देखें चित्राल के चारों मौसमों की हमने आपको सैर करवा दी। बिल्कुल, इसी के साथ सईदा आयशा फ्रॉम मुजफ्फराबाद से आपने कुछ पेंटिंग की है और वो तस्वीर आपने हमारे साथ शेयर की है, देखते हैं जनाब। स्टोन पेंटिंग, ओ स्टोन पे, ये पत्थर पे पेंटिंग है, जबरदस्त। वाओ आयशा, वेरी नाइस। ये वाला पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है, सब मुश्किल, ब्यूटीफुल। ओ वाओ, ये पत्थर है जी, पत्थर और उसके ऊपर पूरी सीनरी, अरे वाह, ब्यूटीफुल। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, ये तो बहुत ही छोटा सा ब्रश यूज हुआ होगा इस पे, मिनिएचर आर्ट वाला। सो गुड जॉब आयशा, मुजफ्फराबाद से आपने हमें ये स्टोन पेंटिंग की पिक्चर्स बना के भेजी। ये सेगमेंट हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर लिखकर भेजें, और उसके बाद अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और फिर आपका जो आर्ट वर्क है वो हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, इसी के साथ तौसी, क्योंकि तस्वीरें, वक्त कम होता है तो कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें शामिल की जाएं। जहांगीर नादिर ने लंदन यूके से मैसेज भेजा है कि वो राइजिंग पाकिस्तान रोजाना देखते हैं बहुत दूर से, मुल्क से बहुत दूर हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने आपके लिए बहुत सी दुआएं भेजी, उन्होंने कहा दैट यू आर वन ऑफ द अमेजिंग प्रेजेंटर्स वी हैव इन पाकिस्तान। जहांगीर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और खासतौर पे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो पीडीबी ग्लोबल पे हमारा शो देखते हैं, वो अक्सर हमसे नाराज रहते हैं, आप लोग हमारा जिक्र नहीं करते। भाई, आपका जिक्र हम जरूर करेंगे, आप हमें जहां से सिडनी में बैठे देख रहे हैं, रियाद में देख रहे हैं, टोरंटो में, लंदन में, जहां भी देख रहे हैं, आप हमें कोई मैसेज करें जैसे जहांगीर ने किया, तो हम आपका मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, या कोई तस्वीर। बल्कि आप यूं करें, आप जिस शहर में रहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तान, तो उस शहर की, उस इलाके की तस्वीरें हमें भेजें, हम वो दिखाएंगे कि अच्छा भाई ऑस्लो नॉर्वे में ये मोहम्मद बशीर साहब रहते हैं, तो ऑस्लो की तस्वीरें। सो हम आपको जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ये प्रोग्राम आपका भी उतना ही है जितना पाकिस्तान में रहने वालों का है। बिल्कुल, इसी के साथ रिदा, आपने साहिवाल से प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और रिदा ये कहती हैं कि आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन लाइव नहीं देख सकती, क्योंकि जब आपका शो लाइव आता है उस वक्त मुझे कॉलेज जाना होता है, सो कॉलेज से वापसी पर आपका शो शाम 4 बजे रिपीट टाइमिंग में देखती हूँ। इसके साथ आप कह रही हैं तब मैं ट्यूशन से एकेडमी जाते हुए लेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं पूरा देख के जाती हूँ। अच्छा, पूरा उन्होंने अपने दिन का हमें स्केड्यूल बता दिया है ना। जी रिदा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी सहूलत के लिए अब राइजिंग पाकिस्तान जो है वो यूट्यूब पे भी मौजूद है, आप जाके, हमारा यूट्यूब चैनल है राइजिंग पाकिस्तान लिखें, उसमें रोज के रोज हम हाथ के हाथ सारे सेगमेंट्स अपलोड करते हैं, तो आप तसल्ली से रात में भी उसको सोने से पहले देख सकते हैं और रिलैक्स और एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आमना जबीन, आपने जलालपुर जट्टा से जो है अपनी राय का इजहार किया है, प्रोग्राम को बहुत पसंद करती हैं, और आपने कहा कि कल जो है आप मोटर बाइक पर सफ़र कर रही थी, तो आपकी शॉल जो है वो मोटर बाइक का जो व्हील है उसमें आके फंस गई, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप अपने प्रोग्राम के थ्रू ये बताइए कि जब भी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, अक्सर खवातीन शॉल ओढ़ती हैं, तो प्लीज़ आप बहुत एहतियात कीजिए इस जिम्मेदारी को कि खुदा ना खास्ता आपके साथ किसी दूसरे को भी नुकसान हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खवातीन नहीं, मर्द हजरात भी अक्सर जब हम देखते हैं बाइक जो है वो चला रहे होते हैं, तो उस वक्त उनकी भी अगर शॉल है तो वो भी व्हील में आ सकती है। सो जब आप ड्राइव करें बहुत एहतियात से, खुद को बड़ा समेट कर बैठें ताकि इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए। बिल्कुल ठीक, और भी कोई मैसेज है जी? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप व्हाट्सएप पे हमें याद करते हैं, लेकिन हमारा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, हमारे सोशल मीडिया काफी एक्टिव आजकल जा रहा है, लेकिन आपको हम बताते चलें, आपका मैसेज जाया नहीं होता, हमारी पूरी टीम है यंग प्रोफेशनल्स की जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, सो कीप कॉन्टैक्टिंग अस ऑन आवर व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त, आपकी आज दो बहुत ही जबरदस्त मेहमानों से मुलाकात करानी है, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अंदलीप से आपको मिलवाएंगे, लाहौर से तशरीफ लाई हैं, कुछ म्यूजिक खेलेंगे, बहुत खूबसूरत गाती हैं, कनेट कॉलेज की स्टूडेंट हैं, और इनसे इनके फ्यूचर प्लान्स भी जानेंगे। रहिए मेरे और रबैका के साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।